तो मैं हूँ हिना, कैसे हैं आप? और आप सबको मेरा सलाम नमस्कार। तो मैं बिल्कुल ही बढ़िया हूँ। और मैं अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30, और हम बिल्कुल रेडी हैं बस अब एयरपोर्ट निकलने के लिए। और आप यहाँ देखिए हमारा कितना सारा सामान हुआ है। पूरा घर खाली, सामान छोड़ खाली हो गया है। एक लास्ट टाइम ये घर देख रहे हैं। Take cheese. Cheese. That's better. I want to also want to. You want to do? So say hi to hello. Hello. I'm going airport. I'm going airport to go money house. Money house or your dadu house? Yeah. Are you excited? Yeah. Very good. अब हमारी टैक्सी भी आ गई है। आपसे एयरपोर्ट पे मिलते हैं अब। तो अभी कोविड के बाद ट्रैवलिंग के रूल्स काफ़ी चेंज हो गए हैं। तो सबसे पहले मेरे हस्बैंड, मेरे और मेरे 5 साल के बेटे का RT-PCR टेस्ट हुआ। और ये RT-PCR टेस्ट हमें कोलकाता अराइवल के 72 आवर्स पहले करवाना पड़ा। और हमने ये टेस्ट डैम हेल्थ केयर से करवाए हैं और फिर इन टेस्ट रिजल्ट्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक पोर्टल एयर सुविधा में अपलोड किया है। अब हम आ गए हैं लंदन हीथरो एयरपोर्ट के टर्मिनल 2, जो कि है क्वींस टर्मिनल। मेरे भैया आए हैं हम लोग को छोड़ने के लिए, पिक अप करने के लिए। बड़ा बड़ा जो है, एक खुशी भी है कि शादी में जा रही हो तुम। अच्छा, बट ये भी है कि जो अब पता नहीं कब मुलाकात होगी। आएंगे फिर, फिर मिलना होगा भैया। वही ना, वहाँ लिखा होगा तो फिर आएंगे। हाँ, और क्या। हमारी सिक्योरिटी चेकिंग हो गई है और अब हम इंटरनेशनल ड्यूटी फ्री एरिया में हैं। यहाँ अल्कोहल, सिगरेट्स, चॉकलेट, सोवेनियर्स काफ़ी कम रेट में मिलते हैं। और यहाँ के जो प्रोडक्ट्स हैं यहाँ उनके ऊपर टैक्स नहीं लगता है, इसीलिए वो रेट उनके कम होते हैं। और ड्यूटी फ्री एरिया में आप 2 लीटर्स का अल्कोहल मैक्सिमम ले सकते हैं पर टिकट। और इस सीट का जो लेग स्पेस है वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्पेस है यहाँ पैर वैर चला रखने के लिए। सीट भी कंफर्टेबल है, स्पेस भी कंफर्टेबल, ओवरऑल अभी तक अच्छा लग रहा है। लेकिन यहाँ पे फ्लाइट के बोर्ड करने के पहले इतना प्रॉब्लम है। सब धीरे धीरे, इतने धीरे धीरे सब काम हो रहा है, कोई लाइन का कोई मैनेजमेंट नहीं है, कब क्या होना है। ये बहुत ही सुस्त काम है एयर इंडिया का, सच में। बोर्ड करने से पहले ही हमें
पैकेट दिया गया है, एयर वाइजर, एयर वाइजर और यहाँ पे है हैंड सैनिटाइजर और साथ में है कुछ मास्क। ये सब हमने ड्यूटी फ्री से खरीदा है, ये सारे चॉकलेट्स ड्यूटी फ्री का पैकेट है। कुछ चॉकलेट्स हैं, कुछ टॉयज हैं, ये भी एक चॉकलेट है। तो जैसा कि बताया था कि ड्यूटी फ्री में थोड़ा अच्छा सामान मिलता है तो सोचा ले लिया जाए। ओह वाओ, इंदौर ध्यान रखें, यात्रा के दौरान हर समय अपने मुंह और नाक को फेस मास्क से ढककर रखना अनिवार्य है। आपको अनरूली पैसेंजर माना जाएगा और उचित कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। He said that you have to keep your mask on. Listen. ये अरफान का किड्स लंच आ गया है। यहाँ एक फ्रूट्स बाउल है, एक पानी का जार है, एक ऑरेंज, एक रोस्टेड पीनट्स का पैकेट है, एक बन और ये उसका फेवरेट, कुछ बॉइल्ड पीस, मैश पटेटोस और अब हमारा ये नॉनवेज प्लेटर है। और यहाँ भी है रोस्टेड पीनट्स, एक बन, दही, खीर और हमारा राइस एंड मुर्ग लबाबदार। और ये प्लेट काफ़ी अच्छा था लेकिन क्वांटिटी में काफ़ी कम था। हमारा डिनर भी आ गया है और यहाँ पे भी है एक फ्रूट बाउल, एक नट्टी बन, एक स्वीट और एक वेज रोल और कुछ फ्राइज़ हैं। और ये प्लेटर बिल्कुल भी खाने में अच्छा नहीं था, कोई टेस्ट नहीं था इसमें। फ्लाइट अब कुछ ही देर में लैंड करने वाली है कोलकाता एयरपोर्ट में और समझ में भी आ रहा है फ्लाइट नीचे नीचे जा रही है। बहुत एक्साइटमेंट। Thank you.
के देश बाबा। तो फाइनली हम अब एयरपोर्ट से निकल पाए हैं, बस एयरपोर्ट के बाहर अब वेट कर रहे हैं। हाँ, अरफान के दादू के लिए वेट कर रहे हैं। और कोलकाता एयरपोर्ट में पहुंचने के बाद हमें कहा गया कि नो क्वारंटीन फॉर नाउ, और यहाँ हमारा ऑन अराइवल आरटीपीसीआर टेस्ट भी नहीं हुआ। तो जिन पैसेंजर्स का फुल वैक्सीनेशन हो गया है उनके लिए नो आरटीपीसीआर टेस्ट एंड नो क्वारंटीन। सारे पैसेंजर्स के वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चेक किए गए और बिफोर डिपार्चर आरटीपीसीआर टेस्ट का रिजल्ट चेक किया गया। और हमारे साथ ही एक पैसेंजर थे, उनका सिर्फ फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीन हुआ था तो उनका लेकिन आरटीपीसीआर टेस्ट हुआ। और मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो अपना वैक्सीनेशन कार्ड और आरटीपीसीआर टेस्ट रिज़ल्ट हमेशा हैंडी रखिएगा। हमारा लगेज कलेक्ट करने में बहुत ज़्यादा ही टाइम लगा, ऐसे जनरली लगता नहीं लेकिन आज काफ़ी टाइम लगा। फ्लाइट एकदम परफेक्ट टाइम पे पहुंची, लेकिन उसके बाद इमिग्रेशन कन्वेयर से बैग्स निकालना और ये सब चेकिंग, डॉक्यूमेंट चेकिंग में भी काफ़ी टाइम लगता है। तो आराम से 3 घंटा लग गया टाइम हम लोगों को अभी तक बाहर निकलने में। यहाँ मेरे भैया और मेरे अब्बा आ गए हैं और अरफान की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। 2.5 साल बाद वो सबसे मिलने की एक अलग ही खुशी होती है। वो तो खुशी से डांस कर रहा है। ये है कोलकाता। हम घर आ गए हैं और कितना ही सुकून मिल रहा है। इसी के साथ ही मैं आज का ये ब्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ। आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टाटा बाय बाय, टेक केयर।